ये नया नहीं है कि हिंदू मुसलमान पर राजनीति हो, नया क्या है, नेताओं का इसमें एक कदम आगे बढ़ना। पहले तो दो कौमों को बांटा, ये अच्छा हिंदू है, वो बुरा हिंदू है, अब ये भी कहा जाने लगा है। कांग्रेस के बहुत पढ़े लिखे नेता समझे जाने वाले शशि थरूर ने आज गुड हिंदू और बैड हिंदू की नई परिभाषा गढ़ दी है। सबसे पहले गुड हिंदू और बैड हिंदू वाली 5 बातों को आप जान लीजिए। शशि थरूर ने कहा कि कोई भी अच्छा हिंदू बाबरी विध्वंस की जगह पर मंदिर नहीं बनाना चाहेगा। शशि थरूर ने यह भी कहा कि ज्यादातर हिंदू मानते हैं कि अयोध्या ही भगवान राम की जन्मभूमि है। शशि थरूर के मुताबिक अच्छा हिंदू किसी दूसरे धर्म की इबादत स्थल को गिराकर मंदिर नहीं बनाना चाहेगा। थरूर ने इस बयान को देने के बाद संभावित नुकसान को देखते हुए वापस भी ले लिया बयान। कांग्रेस ने थरूर के बयान से किनारा किया और थरूर ने वापस लिया। शशि थरूर पहले कह चुके हैं कि अगर बीजेपी 2019 में आई तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। ऑन दी राम जन्मभूमि, एज अ हिंदू ऑब्वियसली आई एम वेरी कॉन्शियस दैट अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ माय फेलो हिंदूज बिलीव दैट वाज द स्पेसिफिक बर्थ प्लेस ऑफ राम, एंड फॉर दैट रीजन मोस्ट गुड हिंदूज वुड वांट टू सी a Ram temple at the site where Ram was supposed to be born. But I also believe that no good Hindu would have wanted to see that temple built by demolishing somebody else's place of worship. Congress छवि बदलने की कोशिश कर रही है और शशि थरूर उस पर पानी फेर रहे हैं। राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमकर खुद को कभी देवी भक्त तो कभी शिव भक्त बता रहे हैं और शशि थरूर बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म के तौर पर गुड हिंदू और बैड हिंदू कर रहे हैं। Also believe that no good Hindu would have wanted to see that temple built by demolishing somebody else's place of worship. राम मंदिर और हिंदू, ये दोनों वो मुद्दे हैं जो बीजेपी की राजनीति का आधार हैं। मौके की तलाश में बैठी बीजेपी पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पर चढ़ गई। कांग्रेस पार्टी एंटी हिंदू पार्टी है। जो राम की पूजा करेगा वो गंदा हिंदू, जो राम मंदिर चाहेगा वो गंदा हिंदू, जो राम भगवान के चरणों में शरण में जाएगा वो गंदा हिंदू, यह किसने कहा शशि थरूर जी को? हमने इसको कई बार कहा है, वो उन्होंने अब स्वयं कहा है कि उनकी निजी सोच हो सकती। विवाद बढ़ने पर शशि थरूर ने भी सफाई दी, ट्वीट किया, लिटरेरी फेस्टिवल में मुझसे व्यक्तिगत राय मांगी गई थी, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना ही मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलने का दावा किया, मैं अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने की निंदा करता हूं। तो शशि थरूर ने जो कहा उसे अब रफू कर पाना उनके बस का नहीं है, ये तो क्लियर है, और ना ही पार्टी के बस का रहा है। लेकिन शशि थरूर जैसे कूटनीति के माहिर आदमी को आप समझ लीजिए, बिना सोचे समझे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। क्यों देते हैं? ये पहला मौका नहीं है जब थरूर ने कांग्रेस को मुश्किल में डाला है। भगवान राम सभी हिंदुओं की आस्था का विषय है, और अगर मैं हिंदू हूँ, हिंदू महिला हूँ, हिंदू संगठन के लिए काम करती हूँ, तो अगर मेरी भी ये सोच है तो इस सोच के साथ मेरी सोच और न मैं और न मेरा संगठन कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। नहीं, मैं हिंदू हूँ, आदर्श हिंदू हूँ, कैसा हिंदू हूँ ये तय कौन करेगा? इसको तय करने के मापदंड अलग अलग हो सकते हैं, उनके व्यक्तिगत विचार है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ये सवाल उस आम आदमी का है जिसे शशि थरूर गुड हिंदू और बैड हिंदू में बांट रहे हैं। इंदौर में सरकारी नौकरी कर चुके रमेश रंजन त्रिपाठी हो या लखनऊ की उर्वशी, दोनों का ही कहना है कि वो हिंदू धर्म में पूरी आस्था रखते हैं और ये भी चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बने, और इनके जैसे ही तमाम हिंदुओं को अपने साथ जोड़ने के लिए राहुल गांधी हिंदुत्व का चोला ओढ़कर घूम रहे हैं। कांग्रेस की ये मुश्किल है कि हिंदू वोट लगातार उससे छिटकता जा रहा है। 2014 में कांग्रेस को हिंदुओं के 17.9% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 37.58% वोट मिले। कांग्रेस बीजेपी के इसी वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है, लेकिन शशि थरूर जैसे नेता पानी फेर देते हैं। तो साहब, इस खबर का मास्टर स्ट्रोक क्या है? शशि थरूर बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन वो भारत की जन भावनाओं को समझने में हमेशा पीछे रह जाते हैं, और यही वजह है कि वो अपने बयानों को देकर पार्टी को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल देते हैं। अगर थरूर को भारत की राजनीति करनी है ना, यहाँ के समाज शास्त्र को उन्हें पढ़ना होगा,
वरना कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा।